हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। इस लेक्चर में मैं आपको बेटा क्लास 12th HBSC का जो फाइनल एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है उसके सेट ए के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पर करवाने जा रही हूँ। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर एक से। अ रिलेशन इज सेट टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन इफ एंड ओनली इफ इट सेटिस्फाइज द प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। तो यानी कि जो सब कुछ है वही हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दो पर। एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम आर टू फोर टू इन्फिनिटी इज गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस फोर। एफ इनवर्स एक्स आपने निकालना है, फाइंड करना है। तो एफ इनवर्स के लिए मैंने आपको बताया था कि आपने इसको वाई पुट कर लेना है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस फोर इधर ले आना है, वाई माइनस फोर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। दोनों तरफ अंडर रूट करोगे तो एक्स की वैल्यू वाई माइनस फोर का अंडर रूट आएगी, जो कि एफ इनवर्स वाई होता है। यहाँ आपने एक्स में बदल देना है तो एक्स माइनस फोर का अंडर रूट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री में ए स्टार बी हमें बाइनरी ऑपरेशन गिवन है जो एलसीएम ऑफ ए एंड बी है। ए और बी का एलसीएम कम्यूटेटिव भी होगा, एसोसिएटिव भी। दो नंबरों का एलसीएम निकालो या तीन का आगे पीछे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। टेंजेंट इनवर्स रूट थ्री माइनस कॉस इनवर्स माइनस वन बाय टू। टेंजेंट की प्रिंसिपल वैल्यू होती है माइनस 90 टू 90 ओपन इंटरवल। तो टेंजेंट की वैल्यू रूट थ्री कितने पर होती है, 60 डिग्री पर। 60 का मतलब है पाई बाय सिक्स। और कॉस इनवर्स माइनस वन बाय टू, कॉस की प्रिंसिपल ब्रांच होती है जीरो टू पाई क्लोज इंटरवल। वन बाय टू वैल्यू होती है भाई 60 पर यानी पाई बाय थ्री, तो वो हो जाएगी पाई माइनस पाई बाय थ्री यानी टू पाई बाय थ्री। तो ये हो जाएगा माइनस टू पाई बाय थ्री। इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा माइनस पाई बाय थ्री। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव। टेंजेंट इनवर्स वन बाय रूट एक्स स्क्वेयर माइनस वन किसके बराबर है। भाई हम यहाँ क्या रखें कि ये सॉल्यूशन आए, तो अगर आप यहाँ सीकेंट रखते हो, मेरी बात सुनो ध्यान से, सीकेंट इनवर्स एक्स के बराबर आए, इसका मतलब है भाई मैं एक बार मान लो सीकेंट इनवर्स एक्स को मैं रख लूँ थीटा, एक्स आ सीकेंट थीटा। अब मैं यहाँ डिनोमिनेटर में रखूँ तो ये बनेगा टेंजेंट इनवर्स वन बाय सीकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस वन यानी टेंजेंट थीटा। अब नीचे टेंजेंट तो ऊपर को टेंजेंट आ जाएगा, तो ये तो रख नहीं सकते। अब हम यहाँ कोसिकेंट रखते हैं तो ये बनेगा वन बाय कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस वन का अंडर रूट, जो कि बनेगा कोटेंजेंट, और ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स। ध्यान देना भाई मेरी बात पर, टेंजेंट इनवर्स वन बाय कॉट थीटा, कॉट थीटा ऊपर जाके टेंजेंट बनेगा, कट के थीटा आ जाएगा जो कि कोसिकेंट इनवर्स एक्स होगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर सिक्स। ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एम बाय एन। तो ए बी की प्रोडक्ट कब संभव है, ए हो गया एम बाय एन का, बी हो गया एम बाय एन का। प्रोडक्ट कब होती है, जब ये दोनों बराबर हो यानी एम और एन इक्वल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेवन। ये ए एंड बी आर टू इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। तो ये हर सेट में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ए बी इनवर्स हमारा होता है ये वाला बी इनवर्स इनटू में ए इनवर्स, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू एक्स की वैल्यू डिटरमिनेंट सॉल्व कर लो, ये बनेगा टू एक्स स्क्वेयर माइनस 24 और ये बनेगा टू माइनस 20। टू एक्स स्क्वेयर माइनस 24 माइनस 18, 24 उधर जाके ऐड होएगा तो प्लस का 6 आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर तीन आ जाएगा। अंडर रूट खोलोगे तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस रूट थ्री आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देख लीजिए, ये फंक्शन है थ्री पे अगर कंटिन्यूस है तो के की वैल्यू निकालो। तो मैंने क्या बताया था, यहाँ भी थ्री रख दो तो थ्री के प्लस वन इज इक्वल टू, यहाँ भी थ्री रख दो, थ्री थ्री या नाइन में से फाइव गया फोर, ये बन गया थ्री के इज इक्वल टू फोर माइनस वन, थ्री के इज इक्वल टू थ्री, थ्री से थ्री कैंसिल, के की वैल्यू आपकी आ जाएगी वन। क्वेश्चन नंबर टेन। y है 3e की पावर 3x प्लस 5 का स्क्वेयर dy बाय dx। देखो e की डिफरेंशिएशन वही होती है, e की पावर 3x प्लस 5 का स्क्वेयर, ये dy बाय dx करा रही हूँ, लेकिन इसके साथ हमने 3x प्लस 5 के स्क्वेयर की भी डिफरेंशिएशन करनी है। ये हो जाएगा e की पावर 3x प्लस 5 का स्क्वेयर, पावर आगे 2 इंटू 3x प्लस 5 और 3x की फिर से 3, तो ये लगा लीजिए 3 2 6 e की पावर 3x प्लस 5, जो कि आपका राइट ऑप्शन बी हो जाता है। द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला, स्लोप का मतलब डिफरेंशिएशन, y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax, डिफरेंशिएशन करो 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 4a। ध्यान देना भाई, y डैश हो गया 4a बाई 2y, दो दूनी 4, 2a by y, ये स्लोप आ गया। इस स्लोप में ये दोनों पॉइंट रखने हैं x और y की जगह, x की जगह नहीं है तो y की जगह इसको रख दो, 2a by 2at कैंसिल, इसका उत्तर आ जाएगा 1 by t यानी ऑप्शन नंबर b।
क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रेट 2x बाय 2x इंटू साइन एक्स स्क्वेयर डी एक्स, एक्स स्क्वेयर को भैया जेड मान लो, 2x डी एक्स हो जाएगा डी जेड, ये जो इंटीग्रेशन है ये बन जाएगी साइन जेड डी जेड यानी माइनस कोस जेड प्लस सी, जेड का मतलब है माइनस कोस एक्स स्क्वेयर प्लस सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल वर्बल है, डी एक्स बाय वन प्लस एक्स स्क्वेयर, वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वेयर की इंटीग्रेशन होती है टेंजेंट इनवर्स एक्स, 0 to 1 टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस टेंजेंट इनवर्स 0 पाई बाय 4 माइनस 0 पाई बाय 4 आ जाएगा। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई फ्रॉम 0 to 1, हमें क्या करना होता है y की इंटीग्रेशन करनी होती है, y की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वेयर इंटीग्रेशन करनी है 0 से 1 तक, एक्स क्यूब बाय 3 0 से 1 तक, 1/3 माइनस 0 1/3 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है ये हमारा, नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 15, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स y इज इक्वल टू एम एक्स। डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए जो कॉन्स्टेंट से ख़त्म करना पड़ता है, तो y डैश इज इक्वल टू एम आ गया, इस वैल्यू को यहाँ रख दो, y इज इक्वल टू एम एक्स है, इसकी जगह m की जगह y डैश का मतलब मैंने रखना है dy बाई डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो y के साथ dx इज इक्वल टू एक्स डी वाई। अब थोड़ा अपने आंसर पे भी फोकस करो, तो इसको मुझे उधर ले जाना पड़ेगा, 0 इज इक्वल टू एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, जो कि ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। देखो इंडिपेंडेंट है तो ये तो 100% ट्रू है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के इक्वल आना चाहिए था, ये गलत है, ये ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ इंटू एफ करेंगे तो भी ये भी ठीक है, ये जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी ये हमारा रॉन्ग है। और मैं आपको बता दूं कि हमसे रॉन्ग आंसर पूछा गया है, तो आप अपना जो आंसर है वो सी है, समझे मेरी बात को, ये तीन उत्तर सही हैं लेकिन हमसे पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो वो है सी, समझ में आ गई बात। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17, फॉर विच वैल्यू ऑफ लैम्डा दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर। जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो बेटा उनकी डॉट प्रोडक्ट्स जीरो होती हैं, तो ए डॉट बी, डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग कॉम्पोनेंट को गुणा करते हैं, आई वाले को आई वाले से, 2 एकम 2, 3 को लैम्डा से करेंगे माइनस 3 लैम्डा, 2 को 2 से करेंगे प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 6 माइनस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0, 3 लैम्डा इज इक्वल टू 6 और लैम्डा की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। इफ़ ए लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस 30 डिग्री विद वाई एक्सिस, तो जेड के साथ कितना एंगल बनाएगी, यहाँ हम यूज करेंगे डायरेक्शन कोसाइन का। जब कोई लाइन एक्स के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है तो एल 60 का, एल हो गया कॉस 60, कॉस 60 का मतलब हो गया 1/2, एम वाई के साथ बना रही है 30 तो कोस 30 हो गया √3/2, और तीसरा एंगल हमने मान लिया एन कितना है कोस थीटा, तो हमारे पास क्या रिजल्ट होता है कि एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो ये देखो भाई 1/2 का स्क्वेयर प्लस √3/2 का स्क्वेयर और थीटा एंगल बना रहा है जेड के साथ तो कोस स्क्वेयर थीटा, ये बन गया 1/4 प्लस 3/4 प्लस कोस स्क्वेयर थीटा, 3 और 1 4/4, ये 1 बनेगा, 1 से 1 कट जाएगा, कोस स्क्वेयर थीटा 0 आ गया यानी कोस थीटा 0 आ गया, और कोस 0 कितने पे होता है 90 डिग्री पे, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी π/2 यानी कि 90 डिग्री। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19, एक्स है 4t वाई है 4/t, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, जिसके लिए बेटा पहले आप निकालोगे डी वाई बाई डी टी, फिर आप निकालोगे डी एक्स बाई डी टी और फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो डी वाई बाई डी टी डायरेक्ट हो जाएगा माइनस 4/t स्क्वेयर, डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा 4, दोनों को डिवाइड करना है, माइनस 4/t स्क्वेयर को 4 से करोगे, 4 से 4 कैंसिल, माइनस 1/t स्क्वेयर यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं टेंजेंट स्क्वेयर एक्स की इंटीग्रेशन, टेंजेंट की कोई इंटीग्रेशन नहीं होती, इसको मैं तोड़ दूँ सीकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस 1 में आइडेंटिटी लगा के, सीकेंट स्क्वेयर की इंटीग्रेशन हो जाएगी टेंजेंट एक्स 1 की एक्स प्लस सी, टेंजेंट एक्स माइनस एक्स प्लस सी। 21वां, द डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑर्डर 2 है, डिग्री 3 है, तो डिग्री आ जाएगी 3। सेम क्वेश्चन हमारे एक और सेट में है, क्वेश्चन नंबर 22, 1, 2, 3 पे 1, 2, 2, 1 सिमेट्रिक होगा ऑब्वियसली, ना रिफ्लेक्सिव है ना ट्रांजिटिव है, 1, 2 का उल्टा 2, 1 इसमें है तो सिमेट्रिक हो जाएगा। टेंजेंट इनवर्स माइनस 1 की प्रिंसिपल वैल्यू, टेंजेंट की वैल्यू 1 होती है 45 पे, टेंजेंट की ब्रांच होती है माइनस 90 से 90, तो जब भी टेंजेंट के आगे नेगेटिव आ जाए तो एंगल के आगे नेगेटिव लगा दो, हमारा आंसर आ जाएगा माइनस π/4। साइन इनवर्स एक्स वाई के इक्वल है, तो वाई की वैल्यू बतानी है, वाई की प्रिंसिपल मतलब वाई की वैल्यू का मतलब है साइन इनवर्स एक्स की
प्रिंसिपल ब्रांच जो कि हो जाएगी -90 से 90 क्लोज इंटरवल। अब है हमारे पास ए कोज अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, तो ये पूछता है कि ए ए डैश क्या होगा, ये अब हमें करना पड़ेगा। ए ए डैश मैं डायरेक्ट कराऊंगी, पहले मैं यहाँ ए लिख रही हूँ, कोस अल्फा दिख रहा है ना भाई आपको सबको, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, ए डैश का मतलब है कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये रो ऐसे आएगी कोस अल्फा, मल्टीप्लाई करो इन दोनों का, ये आइडेंटिटी बनेगा भाई कोस स्क्वेयर अल्फा प्लस साइन स्क्वेयर अल्फा, इसको लाओ कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस ये जीरो बनेगा, आप करके देख लेना साइन अल्फा कोस अल्फा ये जीरो बनेगा, और साइन स्क्वेयर अल्फा प्लस कोस स्क्वेयर अल्फा, थोड़ा मैं जल्दी ही करा रही हूँ इसको, 1 0 0 1, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा बन जाएगा, तो राइट ऑप्शन आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। ए का डिटर्मिनेंट 4 है और ये डिटर्मिनेंट नहीं आना था, ए आना था, ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, तो दो ए की वैल्यू, के ए का डिटर्मिनेंट होता है के की पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये हो जाएगा 2 की पावर n ए का डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट 4 है, एन कितना है 3, 2 की पावर 3, ए का डिटर्मिनेंट है 4, 8 8 4 32 हमारा आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यूटी हर सेट में आया हुआ है, मैंने बताया था उसी टाइप से आपका पेपर आया हुआ है, साइन 2x/x, ठीक है, x नॉट इक्वल टू 0, 0 पे k है, अगर ये 0 पे कंटिन्यूस है, k की वैल्यू आपने निकालनी है, लिमिट निकाल दो, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x/x, लिमिट निकालने के लिए 2 यहाँ 2 यहाँ, ये 1 बन जाएगा, लिमिट आगे 2 × 1 यानी 2, लिमिट आगे 2, 0 पे वैल्यू k है, तो k किसके इक्वल आना चाहिए 2 के, e की पावर x साइन x प्लस कॉस एक्स, ये एक और सेट में भी आ चुका है, मैंने बताया था आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, तो ये क्या बन जाता है ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, साइन का डेरिवेटिव कॉस है, तो ये डायरेक्ट बन जाएगा ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस में सी। इफ़ ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड 8 times द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 6 heads each, अब आपने ध्यान देना है इस क्वेश्चन पर, 8 बार कॉइन, जब कॉइन एक बार फेंका जाता है ध्यान देना, तो हेड की प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड जिसे हम सक्सेस कह रहे हैं वो 1/2 होती है, ना आने की भी 1/2 होती है, एन सिक्का 8 बार उछाला गया है, आर 6 बार की प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है, एक्स इज इक्वल टू आर का फॉर्मूला होता है एन सी आर, क्यू की पावर एन माइनस आर, पी की पावर आर, 8 c 6, 1/2 की पावर 2 भाई 8 में से 6 गए 2 और 1/2 की पावर 6, तो ये तो हो जाएगा 1/2 की पावर 8, 8 c 6 1/2 की पावर 8, आप इतना इसको लिख के छोड़ सकते हो, 8 c 6 1/2 की पावर 8, आपके पास टाइम हो आप फैक्टोरियल खोल लेना, 2 को 8 बार करें तो आता है हमारा 256, कितना आता है अभी 256, तो ये कट जाएगा, 8 × 7 = 6 1/256, 2 × 8 = 4, 4 × 6 = 24, 4 × 16 7/64, तो यही आंसर हमारा आ जाता है 7/64। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा है, आर एक रिलेशन है एन पर, पहले भी आ चुका है, किसी एक सेट में ए बी ए इज इक्वल टू बी माई बी 6 से बड़ा है, तो बी 6 से बड़ा इन तीनों में है, लेकिन ए और ए जो है वो बी से 2 कम है, ए बी से 2 कम है, तो यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, ये हमारा राइट ऑप्शन आ जाएगा, आप यहाँ बी की जगह 8 रखो, 8 में से 2 गया 6, ये आ रहा है, साइन इनवर्स 1/√2 की प्रिंसिपल वैल्यू π/4 होती है, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट ए की पावर एन माइनस वन, ए का डिटर्मिनेंट है 5, एन है 3, तो 3 में से 1 गया 2, 5 square कितना आ जाएगा 25। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33, ये सभी टाइप के क्वेश्चन बेटा हमारे रिपीट हो रहे हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर 100 है, तो dy/dx निकालो, इम्प्लिसिट फंक्शन है, डिफरेंशिएट कर दो 2x, x एज इट इज y का डेरिवेटिव, y एज इट इज x का डेरिवेटिव, 2y y' = 0, इन दोनों को मिलाओ 2x + y, और इन दोनों को मिलाओ तो x + 2y (y′) = 0, इस टर्म को राइट में ले जाओ, x + 2y (y′) - 2x + y, यहाँ से काट कर इसको नीचे ले जाओ, ये dy/dx आ जाएगा, तो ये है -(2x + y) / x + 2y, ये हमारे 33 का आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34, नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 34 थोड़ा लेंथी है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स इन द इंटरवल 0 to π, तो हम इसको क्या करेंगे, इस फंक्शन को हमने ले लिया साइन एक्स
प्लस कॉस एक्स, ठीक है भाई, डिफ्रेंशिएट कर दिया तो ये बन गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू जीरो, रखा साइन एक्स उधर गया तो ये बन गया टेंजेंट एक्स, ठीक है, कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू हमारा आ गया जीरो, नहीं जीरो कैसे आ जाएगा, कोस एक्स हो गया, साइन एक्स के इधर लाओगे तो वन हो जाएगा ना, कोस एक्स इसके नीचे आएगा तो वन इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स, टेंजेंट एक्स वन कितने पे होता है, पाई बाय फोर पे, इंटरवल है जीरो टू पाई, इंटरवल है जीरो टू पाई, बीच में एक आपका अपना पॉइंट आ जाता है पाई बाय फोर, तीनों पे ना इस फंक्शन को आप डायरेक्टली चेक कर लो, एंड पॉइंट्स पे जीरो पे इसकी वैल्यू चेक करो, साइन जीरो प्लस कोस जीरो, जीरो जमा एक एक आएगी, पाई बाय फोर पे इसकी वैल्यू चेक करो, साइन पाई बाय फोर वन बाय रूट टू, वन बाय रूट टू टू बाय रूट टू, कट के कितना आएगा रूट टू, और पाई पे वैल्यू चेक करो, साइन पाई जीरो होता है कोस पाई माइनस वन, तीनों में सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है रूट टू, तो इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी रूट टू हो जाएगी, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35, देखो ऊपर वाले के ना फैक्टर कर लो, इंटीग्रेट साइन स्क्वेयर एक्स बाय वन प्लस कॉस एक्स, साइन स्क्वेयर एक्स के टुकड़े कर लो, वन माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स बाय वन प्लस कॉस एक्स, ठीक है, ये बन जाएगा वन स्क्वेयर माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स, इसको आपने ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी में ब्रेक कर देना है, मैं यहीं पर बता रही हूँ ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए, वन माइनस कॉस एक्स इंटू वन प्लस कॉस एक्स, ये कैंसिल, वन माइनस कोस एक्स की इंटीग्रेशन कर दो, वन की हो जाएगी एक्स, कोस एक्स की हो जाएगी साइन एक्स, एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी, ठीक है भाई, ये हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है वन बाय एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, तो ये होता है हमारा वन बाय टू ए लॉग ऑफ एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, ये बन गया वन बाय एक्स का स्क्वेयर माइनस थ्री का स्क्वेयर डी एक्स, तो इंटीग्रेशन हो गई वन बाय टू इंटू थ्री लॉग ऑफ एक्स माइनस थ्री बाय एक्स प्लस थ्री प्लस सिक्स, और ये यहाँ पर टू थ्री जा जब आप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा टू थ्री जा सिक्स, वन बाय सिक्स लॉग एक्स माइनस थ्री बाय एक्स प्लस थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ एन एलिप्स, देखो मैं इसको बिल्कुल भी इंटीग्रेशन से नहीं करने वाली हूँ, दोनों तरफ चार से डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वेयर बाय फोर प्लस वाई स्क्वेयर बाय वन इज इक्वल टू वन, और जब आप इसका कंपैरिजन करते हो एक्स स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाय बी स्क्वेयर इज इक्वल टू वन से, तो ए स्क्वेयर चार आता है, बी स्क्वेयर वन आता है, ए दो आता है, बी एक आता है, अगर आपने मेरे लेक्चर ध्यान से देखे तो मैंने आपको बताया था एलिप्स का एरिया होता है पाई ए बी, ठीक है, कोई इंटीग्रेशन कुछ नहीं करना है, तो पाई ए का मतलब दो, बी का मतलब एक, एरिया आ गया दो पाई पूरे एलिप्स का, पूरे एलिप्स का हमने इसका क्वाड्रेंट यानी चौथा भाग निकालना है, चार से भाग कर दो, दो दूने चार, एरिया कितना आ जाएगा पाई बाय टू, तो आप इसको एक ही मिनट में कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स ए एंड बी आर वन बाय फोर एंड वन बाय टू, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट देन फाइंड ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी, देखो भाई ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है ए की प्रोबेबिलिटी प्लस बी की प्रोबेबिलिटी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, लेकिन ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट हैं तो हर सेट में ये क्वेश्चन आ रहा है, इस इंटरसेक्शन को मैं इनकी प्रोडक्ट में बदल सकती हूँ। अब ए की प्रोबेबिलिटी 1 बाय फोर है, बी की 1 बाय टू है, तो ये बन रहा है 1 बाय फोर प्लस 1 बाय टू माइनस 1 बाय फोर इंटू 1 बाय टू, 1 बाय फोर प्लस 1 बाय टू माइनस 1 बाय एट, एलसीएम ले लो, चार दूनी आठ जमा चार, चार और दो छः में से एक गया पाँच बटे आठ, तो आपका आंसर आ जाता है 5 बाय एट। क्वेश्चन नंबर 39 में हमें ए क्रॉस बी निकालना, अब ये पता नहीं है ये ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है या ए क्रॉस बी है, तो मैं आपको दोनों बता देती हूँ, वैसे पहले मैं लेती हूँ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का मतलब आई जे के दो एक तीन थ्री फाइव माइनस टू डिटर्मिनेंट है, तो आई इंटू सीधा सॉल्व कर रही हूँ मैं माइनस टू और माइनस 15, तो माइनस 17 आई माइनस जे, ये रो कॉलम गया, ये बनेगा माइनस 4 माइनस 9 माइनस 13 जे, और प्लस के इंटू 5 टू जा 10 माइनस 3 यानी 7, ये बन गया माइनस 17 आई प्लस 13 जे प्लस 7 के। अगर मैं ए क्रॉस बी की बात करती हूँ तो ए क्रॉस बी मेरा आ रहा है माइनस 17 आई प्लस 13 जे प्लस 7 के, अगर आप इसके मैग्नीट्यूड की बात करते हो तो वो फिर बनता है माइनस 17 का स्क्वेयर प्लस 13 का और प्लस 7 का, 17 का होता है 289,
13 का होता है 169, 7 का होता है 49, 9 27, 2, 6 और 4 10 और 2 12 और 8 20, 2 और 1 3 और 2 5, 507 का अंडर रूट। तो ये आंसर इसका फाइनल आ जाएगा 507 का अंडर रूट। एंड दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर। और ये सेम क्वेश्चन आपके एक और कोड में आया हुआ है, ए बी सी डी कौन से में, तो ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर है, तो ए क्रॉस बी का मॉडुलस हो जाएगा एक। ए क्रॉस बी का मॉडुलस होता है मोड ए मोड बी साइन थीटा इज इक्वल टू 1, मान लिया इनके बीच का एंगल थीटा है, तो मोड ए हो गया रूट 3, मोड बी हो गया 2 बाय रूट 3, साइन थीटा इज इक्वल टू 1, इससे ये कट कर रूट 3 उधर ले जाओ, साइन थीटा आ जाएगा रूट ऑफ 3/2, थीटा आ जाएगा साइन इनवर्स रूट ऑफ 3/2। तो ये बेटा जी आपका सेट ए का कंप्लीट सॉल्यूशन था। कोई मिस्टेक रह जाए, कुछ डाउट हो तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है। लेक्चर समझ आए तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करना है। थैंक यू।